we start this subject of audit, we come across various terms, okay, be it internal controls, be it RAP, that is the risk assessment procedures, then we have FAB, further audit procedures, analytical procedures. There are many of these terms which becomes quite confusing and which hinders our capabilities and abilities to understand audit. So today let us discuss one of these important terms, and it took me a decent time to understand what is the exact meaning of RAP. See, exact meaning of RAP is, let me take a simple example. If let's say it's a wedding season almost, so you are a wedding organizer. Done. Yes, you are a wedding organizer, and obviously you are on and often meeting clients on different clients on different days. Okay. Now the thing is that this client A approaches you and asks you that he wants to hire you for the wedding of his daughter, and you're supposed to do the required decorations. Now, you have heard and witnessed it a lot many times that after this wedding decorations have been done, there's a lot of problem from the client's end regarding the payment. So you are a bit worried. You are a bit worried whether to accept this proposal from this client A or not. So it happens on and often in your business that different clients are coming to you and asking you to take up their wedding events, and you are worried at the same point of time which client to go with, where there would be no such problem of payment in the very last. तो वेडिंग प्लानर की, वेडिंग ऑर्गेनाइजर की ड्यूटी बनती है कि क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले क्लाइंट के हाव भाव को जांच लिया जाए. और तुम एक काफ़ी अच्छे, काफ़ी पहुँचे वेडिंग ऑर्गेनाइजर हो और तुम्हारी फीस भी काफ़ी अच्छी है, तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे पास क्लाइंट्स भी आ रहे होंगे वो भी कम वेल्दी या इन्फ्लुएंशियल नहीं होंगे. तो तुम क्या करते हो, तुम पहले अपने इस क्लाइंट की खबर निकलवाते हो मार्केट से, ठीक है, अपने बिजनेस कम्युनिटी से थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हो बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ डेकोरेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग द वेडिंग इवेंट. तो आप बीइंग अ वेडिंग ऑर्गेनाइजर, इनकी जांच पड़ताल करने के बाद आपको मार्केट में पता चलता है कि ये क्लाइंट का तो बहुत ही अच्छा क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, बहुत अच्छी क्रेडिटवर्थीनेस है, और ये क्लाइंट हमेशा मार्केट में भी कहीं से पैसा उठाता है, या इसका जो भी बिजनेस है, इसके सप्लायर्स वगैरह बहुत खुश है. हमें कस्टमर से क्या करना है, हमें सप्लायर से करना है, क्योंकि सप्लायर को पैसा देना पड़ता है बिजनेसेस को, क्योंकि सप्लायर्स आर द वन हु गिव्स द रिक्वायर्ड मटेरियल्स. अब आपको पता चल गया है कि ये क्लाइंट इज़ डिसेंट, इसका मार्केट में भी देयर इज़ नो सच बैड टॉक्स रिगार्डिंग दिस क्लाइंट. सो यू एक्सेप्ट फाइनली द प्रपोजल ऑफ दिस क्लाइंट. So what I was trying to explain to you is कि आपने ना रिस्क नापा पहले, कि इस क्लाइंट का काम लेने से पहले मैं ये देख लूँ कि इसके साथ डीलिंग करने में क्या रिस्क है. दिस इज़ वॉट इज़ द वर्क ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. द ऑडिटर ट्राइज टू गॉज या मेजर या चेक द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रूमर, कि भाई अगर मैं इस पर्टिकुलर एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने जाऊंगा सिस एफ, तो कितना रिस्क होगा कि मैं क्लियर ओपिनियन दे के निकल जाऊं बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स छुपी रह जाए. सो व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इट मीन्स द ऑडिटर अंडरस्टैंड्स and tries to assess the risk. ये आप स्टार्टिंग में ये अंडरस्टैंड नहीं भी लिख सकते, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. द ऑडिटर ट्राइज टू असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन एन एंटिटी. नाउ हाउ
कैसे होगा ये? वेडिंग ऑर्गेनाइजर ने क्लाइंट की सारी जानकारी बिजनेस कम्युनिटी से निकाल ली। अब यहाँ पे भी ऑडिटर क्या करेगा? ही ट्राइज टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन एन एंटिटी। ऑब्वियसली एंटिटी की जांच पड़ताल करेगा बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इन्वायरमेंट ऑफ द एंटिटी एज वेल एज द इंटरनल कंट्रोल्स। अब तुम देखो ना, मैं ऑडिटर हूँ और मैं ना एक कंपनी में जाती हूँ, ABCL प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे एकदम जो क्लर्क लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, क्लरिकल लेवल पे, वो 20-20 lakhs तक की ट्रांजैक्शंस अमाउंट्स अप्रूव कर रहे हैं। वाज दिस अ जोक? 20 lakhs इज़ अ बिग अमाउंट इवन फॉर अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा और रिलायंस। 20 lakhs इज़ अ बिग अमाउंट एंड सच अप्रूवल्स कुडंट बी गिवन बाय अ नॉर्मल क्लर्क और अ पियॉन। तो अब आपने देखा कि भाई इस कंपनी में तो ये काम चल रहा है, मतलब बींग ऑडिटर आपने देखा रे यार, ABCL प्राइवेट लिमिटेड का मैंने ऑडिट तो ले लिया या मुझे ऑडिट लेना तो है, बट क्या चल रहा है यहाँ पे? पियॉन 20 lakhs तक का ट्रांजेक्शन अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजर पोस्ट पे सीट पे नहीं होता है तो उसकी जगह एक बहुत ही जूनियर लेवल का बंदा सीट में लेके डिसीजंस ले रहा है, वो भी बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है। और अब समझ गए कि भाई इस एंटिटी में रिस्क है। अब देखो ना, आप माइंडसेट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आप समझ गए इस एंटिटी में तो रिस्क है, हो सकता है कि ये लोग मुझे, इनका जो मैनेजमेंट मुझे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला के देगा वो एविडेंसेस से मैच भी कर देंगी। अरे हो सकता है ना मैनेजमेंट ने पहले सब तैयारी करके रखी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट की हो, और ऑडिटर को कैसे पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेटेड है? उन्होंने एविडेंसेस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से बना लिए। इवन मैनेजमेंट ने अपने बाकी स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, कुछ कस्टमर्स, कुछ क्रेडिटर्स वगैरह, इन सब से भी बातचीत करके रखी है। तो जब इतना बड़ा इकोसिस्टम मैनेजमेंट में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है पूरा फ्रॉड का, तो ऑडिटर तो अभी नया आया है, वो थोड़े टाइम में क्या ही उखाड़ लेगा, क्योंकि उसको तो सब कुछ ठीक लग रहा है। तो ये जो रैप है ना कि आप एंटिटी में आते हो, उसको समझते हो, उसके इन्वायरमेंट को समझते हो, ये सब ऑडिटर को चौकन्ना कर देते हैं कि भाई इस एंटिटी में रिस्क बहुत है। तो तुम जब ऑडिट देख लो, तुम्हें ऑडिट करना है कि नहीं करना है, ऑडिट करना है तो ध्यान से करना, बात बात पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना, और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हें शायद सबूत एकदम परफेक्ट मिलेंगे, सब कुछ एकदम नॉर्मल लगेगा, पर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना क्योंकि इस एंटिटी में रिस्क दिख रहा है, सिचुएशन अंदर ख़राब है। हो सकता है ये लोग तुम्हें एकदम सब कुछ फाइनली प्रेजेंट करें, मैनिपुलेटिव वे में प्रेजेंट करें, पर तुम अपनी वो तीसरियाँ खुली रखना एंड ट्राई टू बी ऑलवेज एक्स्ट्रा विजिलेंट। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स विच मेक्स द ऑडिटर एक्स्ट्रा कॉशियस। यस, यू कैन राइट द स्टेटमेंट दैट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एक्चुअली वॉट इज इट? It is when auditor tries to assess the risk of material misstatement by understanding what? Entity, environment as well as internal controls. Okay, and risk assessment procedures helps the auditor know about the level of risk of material misstatement, Romam, in this organization. Yani ki the level ya chances ki kitni galtiyan इस ऑर्गेनाइजेशन में छुपी रह जाएंगी, इवन मैं अगर क्लीन ओपिनियन दे के निकल भी गया तो। आई थिंक यू आर एबल टू कैच मी वेल। इट टेल्स ऑडिटर टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। और आप अब ये सोच रहे होंगे कि जब मैनेजमेंट इतने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेटिव कर सकता है, तो हो सकता है जब ऑडिटर आएगा तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी बोलेगा कि तुम ऐसे बिहेव करना, मतलब इंटेलिजेंटली बिहेव करना। तो भाई जब अंदर से गड़बड़ी होगी तो ऑडिटर जब इनके हाव भाव देखेगा, इनसे चीज़ें पूछेगा, ऑब्वियसली ऑडिटर को इतना आइडिया लग ही जाएगा क्योंकि आप कागजात को या डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, बट लोगों के हाव भाव को उतना मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अंदर गड़बड़ी चल रही है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो सवाल जवाब में अटकेगा, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू गो इन सो मच ऑफ डेप्थ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो क्लियर that extra vague confusion if there is in mind. I hope you got this risk assessment procedures. अब इतना समझा रही है कि आपको इतना understanding तो है कि ये ऐसा चीज़ है जिससे auditor ये नापने की कोशिश करता है कि यार इस particular entity में यार कितना risk है, मतलब काम तो मैं ले लूँगा
फिर भी कितना रिस्क रहेगा, मुझे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा एविडेंसेस कलेक्ट करते समय. एंड आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर. एंड रिमेंबर वन थिंग, कभी कभी MCQs में ऑडिट के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि रिस्क असेसमेंट में आप कोई ऐसी टेस्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग नहीं कर रहे हैं. ऑडिट डजेंट एंड विथ रैप, इट्स जस्ट दैट आप तो एक मुआयना ले रहे हैं. आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग. आप एक रिव्यू शुड बी अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि ऑडिट और रिव्यू दोनों अलग चीज़ें हैं, बट आप एक आइडिया ले रहे हैं एंटिटी का इन्वायरमेंट समझ के, इंटरनल कंट्रोल समझ के, कि हालत क्या है और कितना रिस्की है यहाँ पे. मतलब रिस्की मतलब इन लोगों ने तो हालत अंदर ख़राब कर रखा है, तो ज़रूर ज़रूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी गड़बड़ी होगी. हाँ, हो सकता है ये लोग मैनिपुलेट करके मेरे सामने लेके आए, बट गड़बड़ी होगी. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ योर CA इंटर एंड ग्रुप टू ऑडिट का पेपर है आपका, तो उसके लिए दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रैप इज़ वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग. सो आई होप यू हैव इंजॉयड थरली एंड आई वॉज एबल टू यू नो डिलीवर दैट कंटेक्स्ट. आई वॉज नॉट वेरी एप्ट विद द लैंग्वेज. मैंने आपको कोई लैंग्वेज ऐसे फ्रेम करके नहीं दी कि आप ये रट लीजिए, बट अब जो भी मटेरियल से इस रैप की डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, आई थिंक यू विल बी नाउ एबल टू बेटर कनेक्ट इट. एंड दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर दोज पीपल, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग इन देर एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू डू ऑडिट ऑन देर ओन. सो आई होप यू बी इंजॉइंग इट. आफ्टर सींग दिस वीडियो यू विल गेट अ वेरी गुड एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज रैप. So if you really like the video, then do share with your friends and please subscribe the channel and do comment that did you really feel good after seeing the video and did you really understand the concept of rap. Thank you so much.